राजस्थान सरकार ने जूनियर शिक्षक भर्ती को किया रद्द। माहौल पूरी कंटिन्यू बनाना है, किस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। राजस्थान सरकार ने जहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले यह घोषणा की है कि राजस्थान में होने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती को रद्द किया जाता है। ऐसा होने के बाद लगभग 20 लाख युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि राजस्थान शिक्षक भर्ती में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए थे, जिन्होंने जैसे तैसे करके इस परीक्षा को पास किया था। जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए थे, उनके सपनों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। तो आप समझ सकते हो, तो आज मैं कह दिया कि हम इस एग्जाम को A2 L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है, A2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट होने हुआ है, A2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चार मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, उसको दोबारा पहले कराएंगे रिट। जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में दो एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्ती होकर टेस्ट होता, वो सिस्टम वापस ला रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि अब एक पेपर की जगह दो पेपर करने का सिस्टम किया जाएगा और नए सिरे से इस भर्ती को कराया जाएगा, जिसमें दो स्तर पर टेस्ट कर दिए जाएंगे। अब अशोक गहलोत जी ने उन युवाओं की परेशानी को बढ़ा दिया है और उन युवाओं की दिक्कतों को बढ़ा दिया है जिन लोगों की उम्र लगभग ओवरेज होने वाली थी, जिन बच्चों ने जैसे तैसे करके कोचिंग लगा के और बड़ी मेहनत से इस टेस्ट को पास किया था और नौकरी के सपने सजोए थे, उन सारे सपनों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि कहना तो आसान होता है कि जो पढ़ने वाला है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन पढ़ने में और तैयारी करने में जितनी दिक्कत आती है, शायद ऐसा हर बार नहीं हो पाता है कि उस बच्चे का नसीब साथ दे जाए, उस बच्चे के हिसाब से पेपर फंस जाए, ऐसा हर बार नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान बच्चों को हुआ है और 20 लाख युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया है। पेपर लीक होने की घटनाएं लगभग आम हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी यूपी टेट कैंसिल हो चुका था। सारे देश की सरकारें पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। बेरोजगार युवा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस साल तक लगभग पूरे देश में 23 करोड़ युवा नए बेरोजगार हो चुके हैं और ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है या फिर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। देश की यह भयावह स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब ये तो गहलोत सरकार का जो फैसला है वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन जिन बच्चों को दोबारा तैयारी करनी है उनको फिर से जुट जाना चाहिए। आपको बता दें कि घोषणा करते वक्त अशोक गहलोत की चेहरे पर बल देखा जा सकता था और उन्होंने बार बार इस दौरान पानी पिया और पसीने से लथपथ हो रही थी, क्योंकि हो सकता है उनके मन में यह बात हो कि अब युवाओं का शायद उन्हें गुस्सा झेलना पड़ सकता है। अब ये भर्ती नए सिरे से होगी और इसमें नए पद भी बढ़ाए जाएंगे और पद बढ़ाकर 32,000 की जगह 62,000 कर दिए जाएंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और आप क्या सोचते हैं वो हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल परवार टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी आज़ाद पत्रकारिता को बल मिलता है। देखते रहिए परवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची। नमस्कार। परवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची।